अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुबा आसिम और आप देख रहे हैं DHA प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको DHA फेज 4 कराची में बंगला किराए पे हासिल करना हो तो कम से कम कितने किराए में आपको वहां पे एक बैंगलोर रेंट पे मिल जाएगा। माजी में हमने वीडियो की थी DHA फेज 4 में बैंगलोर के बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेंट्स के हवाले से DHA फेज 4 में बैंगलोर के। इस हवाले से मालूम हासिल करने के लिए हमने अपने शो में इन्वाइट किया है DHA की एक्सपर्ट मिस हलीमा को, जो हमें बैंगलोर के रेंटल्स के हवाले से आगाही फराम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस हलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरुबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी खैरियत हूँ। मैम, हमने माजी में वीडियो की थी DHA फेज 4 में बैंगलोर की बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से। आज इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कि अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी इंसान को बंगला किराए पर लेना हो DHA फेज 4 में, तो कम से कम वहाँ पे कितना किराया और कौन सी लोकेशन पे एक अच्छा बैंगलोर लेना अच्छा रहेगा? देखिए, बैंगलोर रेंटल्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बैंगलोर रेंटल्स के ऊपर जो है वो फेज 4 के अंदर हमारे पास जो है वो 300 यार्ड की कटिंग भी है बैंगलोर के अंदर, और इवन हमारे पास 500 है, 600 स्क्वायर यार्ड की कटिंग भी आ जाती है, 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग्स भी हैं। तो इसमें अगर हम बैंगलोर रेंटल की बात करते हैं तो रेंटल के ऊपर जो है वो अक्सर ऐसी भी पार्टीज़ हैं जो ऑलरेडी कमर्शियल के लिए दे रही होती हैं, जैसे कमर्शियल ऑफिसेज वगैरह के लिए, जैसे कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, चाइनीज़ कंपनीज हो गई, अगर उनको रेंटल के ऊपर चाहिए होगा तो कमर्शियली बैंगलोर अगर यूज़ हो रहा है तो वो उसका रेंटल एक डिफरेंट होता है। जो रेजिडेंशियल जो फैमिली के लिए होता है उसका रेंटल एक डिफरेंट होता है। जो कमर्शियली ऑफिसेज के लिए यूज़ हो रहे होते हैं बैंगलोर अक्सर DHA के अंदर, तो उसके रेंटल के लिए मैं पहले आपको बताऊंगी जो उसकी रेंटल वैल्यू आ जाती है 500 गज के घर की, जो कि फेज 4 के अंदर 500 गज का घर, जो कि टू, जो कि ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन होगी, 3+3 की कंस्ट्रक्शन होती है अक्सर, तो 3 मास्टर बेडरूम तकरीबन, जो हमारे मास्टर बेडरूम होते हैं 6 मास्टर बेडरूम है इसमें, जिसमें ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया होता है, जिसमें कुछ जो हमारे पास बैंगलोर हैं जिसमें सर्वेंट क्वार्टर भी अवेलेबल हैं, सर्वेंट क्वार्टर तो अक्सर बैंगलोर के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसमें पाउडर रूम्स भी होते हैं, और तो कुछ बैंगलोर के अंदर बेसमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अब बेसमेंट्स के साथ वाले बैंगलोर की मैं आपको बता दूँ, अगर हम उसमें बाइंग करते हैं जो अच्छी वेल मेंटेन कंडीशन हैं, जो कि 5-6 ईयर्स पुराने बैंगलोर हैं, उसके रेंटल इस वक्त कम से कम स्टार्टिंग कमर्शियली जो है वो 4.5 लाख रुपये से लेकर तकरीबन मिनिमम अगर हम स्टार्ट करते हैं 3.5 से 4 लाख रुपए तक के रेंटल्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, रेजिडेंशियल के ऊपर जो अगर हम कोई फैमिली के लिए आप रेंट आउट रेंटल के लिए चाहिए, तो उनके लिए एक रेंटल के ऊपर जो है वो अक्सर फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसी भी होती हैं जो कि 2 फैमिलीज़ होती हैं, और उसके हवाले से अगर जो 2 फैमिलीज़ एक साथ रहना चाहती हैं तो उनके लिए फिर पोर्शंस भी अवेलेबल होते हैं ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन में, अक्सर जो हैं वो पोर्शंस भी हमारे पास फेज 4 में हमारे पास आ रहे होते हैं। 300 गज का जो पोर्शन होता है उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता है, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अगर पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम हमारे पास जो 300 गज के पोर्शन के रेंटल्स चल रहे हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक के रेंटल्स हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपये भी हमारे पास आ जाते हैं पोर्शंस के रेंटल। तकरीबन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपये रेंटल के ऊपर हमें पोर्शंस इजीली मिल जाते हैं बैंगलोर के, जिसमें हमारे पास डिफरेंट होते हैं। ग्राउंड फ्लोर में आप एक अलग फैमिली रह सकती है, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो सेपरेट गेट के साथ जो है वो पोर्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। तो जिसको भी रेंटल के ऊपर आपको फेज 4 के अंदर अगर कोई भी बैंगलोर चाहिए, अगर हम इस वक्त बात करते हैं 1000 स्क्वायर यार्ड के बैंगलोर की, जो 1000 स्क्वायर यार्ड का जो बैंगलोर है फेज 4 के अंदर, जो कि वेल मेंटेन कंडीशन और ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें मिलता है रेंटल के ऊपर, अगर हम कमर्शियली यूज़ की बात करते हैं तो कमर्शियली हमें तकरीबन 7 से 8, 8.5 लाख रुपए तक का रेंटल हमें मिल जाता है 1000 गज के बैंगलोर के ऊपर। और इसके अलावा अगर हम उसके बात करते हैं जो कि हमारे पास रेजिडेंशियल जो कि फैमिली को नीड है और वो वहाँ पे तकरीबन 1000 स्क्वायर यार्ड के बैंगलोर चाहिए, तो उसके अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन हमें इस वक्त के मार्केट के हिसाब से जो कि रेंटल इस वक्त चल रहे हैं तकरीबन 6.5 लाख से लेकर तकरीबन 7 लाख रुपये तक के रेंटल हैं। इस पर डिपेंड करता है बैंगलोर की कंडीशन के ऊपर, आपकी बैंगलोर किस कैटेगरी के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, मींस कि आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस लेवल की है। अब कुछ ऐसे भी बैंगलोर हैं जो तकरीबन 10 साल पुराने हैं, वो रेंटल के ऊपर दिए जा रहे होते हैं, तो उनके रेंटल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो जो फेज 4 है, फेज 4 में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे पास जो फेज 4 का सबसे बड़े जो आपके DHA स्कूल है वो फेज 4 के अंदर हमारा है, सबसे बड़ा स्कूल DHA का आपका जो है वो फेज 4 के अंदर ओपन हुआ हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बिल्कुल निसार शहीद पार्क है, सबसे बड़ा पार्क आता है DHA का और सबसे मशहूर पार्क है वो फेज 4 के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपकी हमारी इमाम बारगाह भी हमारी जो है वो फेज 4 के अंदर मौजूद है सबसे बड़ी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो
ग्रेवयार्ड हमारा सबसे बड़ा जो है वो फेज फोर का कब्रिस्तान पर, वो भी हमारा जो है वो भी फेज फोर के अंदर मौजूद है। तो इसके हवाले से फेज फोर इस वक्त हम देखते हैं तो एक फैमिली के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है बिल्कुल घर के वॉकिंग के ऊपर, उसको एक स्कूल अच्छा ओ लेवल्स स्कूल मौजूद है, हमारे स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, मस्जिद अच्छी बनी हुई है। तो इसके हिसाब से मैं कहती हूँ कि फेज़ फोर का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पुराना फेज़ है फेज़ फोर, और सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया आ जाता है। तो ये हमारे पास जो रेंटल के हवाले से किसी भी क्लाइंट को कोई भी क्यूरी है रेंट आउट के हवाले से, तो आप मुझसे फौरी रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई भी रेंटल के ऊपर किसी भी कैटेगरी के ऊपर रेंट के ऊपर अपार्टमेंट बैंगलो चाहिए या पोर्शन चाहिए तो आप मुझसे फौरी रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस सलीमा मैं अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाज़िम, ये तो हमारी DHA की एक्सपर्ट मिस सलीमा थी जिन्होंने हमें बताया कि DHA फेज़ फोर में अगर आपको बंगला किराए पर हासिल करना हो तो कम से कम कितने किराए पर आपको वहाँ पर बंगला ईजिली मिल जाएगा। तब तक मैं अपनी होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।